अस्सलाम वालेकुम, दिस इज अमानुल्ला। मैं आगाज़ करता हूँ अपने KIP लेवल जो है, लेवल 5 है, उसके चैप्टर 3 जो है, मैं उसका आपको एक्सप्लेन करूँगा। मुझे बहुत से दोस्त जो है पर्सनली भी अप्रोच करते हैं, मुझे कमेंट्स करते हैं कि आप लेवल 1 से क्यों स्टार्ट नहीं लेते हैं। उसकी असल में मेन जो वजह है वो ये है कि जो KIP का जो कोर्स है जो मैंने स्टार्ट किया है वो नेक्स्ट ईयर से चेंज हो रहा है। तो अगर मैं स्टार्ट लेता हूँ लेवल 1 से, तो ये जो है अगर मैं लेवल 2 या 3 तक जाता हूँ तो मोस्ट प्रोबेबली जो है कोर्स चेंज हो जाएगा, और जो ये वीडियोस हैं ये फिर आपको उतना फ़ायदा नहीं दे सकेंगी। लिहाजा मैंने जो सोचा है वो ये है कि जो इस साल के लिए जो है मैं KIP लेवल 5 का जो है उसके वीडियोस बना के जो लोग इस साल में लेवल 5 क्लियर करना चाहते हैं उनको फ़ायदा हो, फिर नेक्स्ट ईयर से जब कोर्स चेंज होगा तब से जो है मैं लेवल 1 से लेकर लेवल 5 तक तमाम वीडियोज़ बनाऊँगा। मेरा जो इस साल का गोल है वो ये है कि लेवल 5 जो है KIP का कोर्स वो ख़त्म करने के बाद आई विल डायरेक्टली जम्प अप टू EPS कोर्स। जो EPS का कोर्स है जो हमारे पाकिस्तानी भाई हैं जो पाकिस्तान से लैंग्वेज सीख रहे हैं, उनको कुछ इश्यूज होते हैं कि वो एक शहर से दूसरे शहर नहीं जा सकते, या उनको फीस एक्सपेंसिव होती है वो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो मैं उनके लिए जो है वीडियोस बनाऊंगा ताकि जो है वो वीडियो की मदद से अगर सीख सकें तो बेहतर होगा। अगर वो वीडियो से नहीं सीख सकते तो देन दे कैन ज्वाइन द अकेडमीज, वहाँ पर वो सीख सकते हैं। लेकिन आई विल ट्राई माई बेस्ट टू कंट्रीब्यूट इन कोरियन लैंग्वेज, तो जितना मुझसे हो सके आई विल डू माई बेस्ट। तो स्टार्ट करता हूँ अपना जो है थर्ड चैप्टर KIP लेवल 5 का, उसका जो टॉपिक है वो है हन के इल्थो। जो इस चैप्टर का जो फर्स्ट टॉपिक है वो है हन गुक इंदरन ओतुन इल्थो ऐसो इल्हागो इसल का, कोरियन लोग जो है वो कहाँ पर जॉब करते हैं, कैसे जॉब करते हैं। तो इस पेज पर मेजर 3 चीज़ें, एक इनकी एज के बारे में बताया गया है कि ये किस एज से जॉब स्टार्ट करते हैं, किस एज तक जॉब करते हैं, इसके बारे में बताया गया। दूसरा जो है वो जॉब के बारे में बताया गया कि ये किस जॉब को प्रेफरेंस देते हैं, किसको तरजीह देते हैं। जिस तरह पाकिस्तान में हमारा ये है कि अगर कोई लोग कोई बंदा जो है वो ज़्यादातर रुझान जो होता है वो सरकारी मुलाजिम का होता है या डॉक्टर का होता है, इंजीनियर का होता है। तो इस तरह जो यहाँ भी एक रुझान है तो वो किस चीज़ का रुझान है उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। जो इस बुक में है मैं आपको वो इन्फॉर्मेशन दूंगा। थर्ड जो फीमेल जॉब है, इक्वल राइट जो होता है फीमेल के, इक्वल राइट के लिए जो जॉब्स होती हैं उनको इक्वल मौके दिए जाते हैं, तो उसके बारे में आपको इनका कल्चर बताऊंगा। और दूसरा जो है इनके जो कंपनीज में जो कल्चर होता है वो अलग है, उसके बारे में मैं आपको इस पेज पे जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको आसान अल्फाज में जो मैं बताने की कोशिश करूंगा। आप देख सकते हैं कि अगर आपके पास ये बुक है हम सारे ये है कि जो बुक है इसके, अगर आप 23rd पेज पर देखें तो जो मैं जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहा हूँ इसके इस बुक के 23rd पेज पर मौजूद है। तो आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट इनका है एज के बारे में है, कोरियन जो लोग हैं ये चाइल्ड लेबर का आपको सुना होगा, जो बच्चों से काम लेते हैं चाइल्ड लेबर के खिलाफ है, वो जो है लॉ पे लॉ के खिलाफ फर्जी है। ये जब है 15 साल के हो जाते हैं, मतलब मान कहते हैं जो इंग्लिश कैलेंडर होता है, मतलब जिस तरह हम एज कहते हैं, इनका जो है थोड़ा सा एज का डिफरेंस है, डिफरेंट है, क्योंकि जब ये बच्चे पैदा होते हैं तो 1 साल कंसिडर करते हैं, उसके बाद जब वो साल रोटेट करते हैं, साल जब चेंज होता है तो वो 2 साल का हो जाता है। इसके बारे में आपको अगले चैप्टर में जो आएगा उस बेबी बर्थ के बारे में जो चैप्टर आएगा मैं उसमें आपको एक्सप्लेन करूंगा। इनका जो एज का जो नंबर होता है वो थोड़ा चेंज होता है हमसे। स्टार्ट करता हूँ दोबारा अपने टॉपिक पे आता हूँ कि 15 साल से जो है ये जॉब कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली ये लोग जब स्कूल गोइंग होते हैं, हाई स्कूल क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद जो है ये जब यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो फिर साथ में अराबाइथ कहते हैं इसको, पर टाइम जॉब, ये पर टाइम जॉब स्टार्ट करती हैं। तो नॉर्मली जब ये 20 साल के हो जाते हैं तो ये काम स्टार्ट करते हैं, मतलब इनको अलाव है 15 साल से कि 15 साल की जब हो जाए तो ये पर टाइम जॉब कर सकते हैं लीगली, लेकिन जब ये 20 साल के हो जाते हैं, जब ये यूनिवर्सिटी चले जाते हैं तो तब से जो है ये पर टाइम जॉब करते हैं। अगर ये यूनिवर्सिटीज क्लियर कर लेते हैं तो फिर उस टाइम ये जॉब की तैयारी करते हैं। इनकी जो नॉर्मली रिटायर्ड होने का टाइम है वो है 55 से 60, मतलब अभी तो है 60+ है, 60+, इसको अंथवे कहते हैं, अंथवे मतलब है रिटायरमेंट। तो जब ये अंथवे करते हैं तो ये रिटायर हो जाते हैं, फिर ये जो है
आराम से नहीं बैठते, फिर ये अपने लिए कोई पर्सनल जॉब ढूंढते हैं जो मतलब रिटायर्ड ऑफिसर्स के लिए होती है, या ये जो है अपनी कोई टैक्सी वगैरह खरीद के टैक्सी चलाते हैं, अपना जो है ये कुछ ना कुछ करते ज़रूर है, क्योंकि इनकी एज जो है वो 90 तक होती है, 90 प्लस होती है, तो ये जब 60 की एज में रिटायर होती हैं तो ये आराम से नहीं बैठते, मतलब 70-80 तक ये कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो उसके बारे में जो है मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है रिटायरमेंट के बाद क्या करते हैं उसके बारे में जो है बुक में नहीं लिखा हुआ, लेकिन मैंने जो है आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है इसके बारे में। उसके बाद जो कोरियन लोग जो जॉब लाइक करते हैं वो है खोंगमुन, खोंगमुन कहते हैं सरकारी मुलाजिम को, खोंगमुन सरकारी मुलाजिम है। सबसे ज़्यादा जो है खोंगमुन को लाइक करते हैं क्योंकि उसके मराज ज़्यादा होते हैं, उसमें फैसिलिटीज ज़्यादा होती हैं, एक तो ये कि वो पक्की जॉब होती है उसको ये बहुत लाइक करते हैं, और लेकिन उसमें यह है कि उसके सिलेक्शन की रेशियो जो है बहुत कम होती है, जिस तरह मतलब पाकिस्तान में है कि आप सरकारी मुलाजिम बनेंगे तो आपको वो कहते हैं बड़े पापड़ बेलने पड़ेंगे, तो इनके लिए भी सेम है कि इनको बहुत तैयारी करनी पड़ती है, एग्ज़ाम क्लियर करने पड़ते हैं, जिस तरह पाकिस्तान में आई थिंक NTS टेस्ट है, इनका भी जो है खुशी है इनका वो इनको क्लियर करना पड़ता है, वो क्लियर करने के बाद जो है ये सेलेक्ट हो सकते हैं। इस तरह जो है उसके बाद ये जॉब पसंद करते हैं थेकी ऑफ कहते हैं बिग इंडस्ट्रीज को। बिग इंडस्ट्रीज का फ़ायदा ये है कि उसमें आपको तनख्वाह भोंगम कहते हैं इसको, भोंगम जो है आपकी हाई होती है, आपकी सैलरी हाई होती है, और भी जो है फैसिलिटीज ज़्यादा दी जाती हैं, लेकिन मसला ये होता है कि ये आपसे मतलब मोर देन 16-18 आवर्स आपसे काम लेते हैं और आप बहुत बिजी होते हैं। जो थेकी ऑफ में जाते हैं सैलरी तो उनकी अच्छी होती है, लेकिन वो मेंटली जो है बहुत फटीक होते हैं, बहुत थके होते हैं, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो बिग इंडस्ट्री में जाने के बाद जो है रिटायरमेंट लेके सेमी इंडस्ट्री में आके जॉब करते हैं। तीसरी इसके बाद है वो सेमी इंडस्ट्रीज है, जिसको ये कोरियन में चुंगसो कीओप कहते हैं। चुंगसो कीओप का मतलब मिडल इंडस्ट्रीज होती है, सेमीज होती है, स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज होती हैं, उसमें जॉब करते हैं। उसमें सैलरी इतनी अच्छी नहीं होती लेकिन जहनी सुकून होता है। मैं भी जो अभी जॉब कर रहा हूँ वो भी एक सेमी इंडस्ट्री है, एक लॉ फॉर्म है, लॉ फॉर्म में जॉब कर रहा हूँ, तो एक अच्छी जॉब है, बुरी नहीं है, लेकिन बट आई कैन मैनेज माई टाइम जो है उसमें फ़ायदा, उसमें जो मुझे चीज़ अच्छी लगती है वो वर्किंग आवर्स हैं, आपके 9 to 6 है, उसके बाद आपकी छुट्टी, तो ये चीज़ जो है मुझे बहुत अच्छी लगती है, इसलिए जो है मैं उस कंपनी में जॉब कर रहा हूँ। उसके बाद जो है मेरी अपनी लाइफ है। उसके बाद जो है ये अपनी पर्सनली शॉप्स भी ये बनाते हैं और कंपनीज बना के जॉब करते हैं। इनका जो एक स्पेशल कल्चर है वो मुझे बड़ा पसंद है, अगर ये किसी कंपनी के मालिक बन गए हैं या अगर ये किसी शॉप दुकान के जो है मालिक बन गए हैं, तो इन्होंने अपनी सैलरी भी फिक्स की होती है। मतलब कि फॉर एग्जांपल मैं एक दुकान का ऑनर हूँ, तो मैं एक दुकान चला रहा हूँ, तो मैं अगर दुकान का ऑनर हूँ, मैं दुकान चला रहा हूँ, तो मैं भी अपनी सैलरी फॉर एग्जाम्पल 50,000 मैंने मुकर्रर की है, और मैं वहाँ से अपनी सैलरी लूँगा, और जो बाकी जो अमाउंट है जो उससे इनकम आती है वो ये रनिंग में चलाते हैं। तो वो बहुत अच्छा कल्चर है, हमारे पाकिस्तान में ये चीज़ नहीं है, ये लोग करते हैं ज़्यादातर कि ये जो अपनी सैलरी मुकर्रर करके कंपनी से अपनी सैलरी लेते हैं और जो अपनी दूसरी अमाउंट होती है जो उसकी इनकम होती है वो रनिंग बिजनेस में लगाते हैं। तो इसके बारे में जो है आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ कि आपके इल्म में थोड़ा सा इजाफा हो। उसके बाद जो इनकी कपल्स होते हैं, मतलब मेल फीमेल हो गए, जब मियाँ बीवी हो गए, ये दोनों जॉब करते हैं। अगर फॉर एग्जांपल प्रेगनेंसी होगी तो उस टाइम जो है इनको जॉब छोड़नी पड़ती है, लेकिन नॉर्मली जब ये कोरियन डेली लाइफ में जॉब करते हैं तो ये दोनों जॉब करते हैं। इसको कोरियन में जो टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है वो कहते हैं उसको कहते हैं मापोरी फूफू, मापोरी कहते हैं जो दोनों पैसे कमाते हैं, पोरी कहते हैं कमाने को, माप डबल माप पोरी जब आएगा लिखने में आएगा मात पोरी आएगा, लेकिन इसको मात पोरी नहीं पढ़ सकते, इसको हम पढ़ेंगे मापोरी, मापोरी फूफू, मापोरी बूबू कहते हैं जब दोनों कमा रहे होते हैं। तो वो जो है वो कपल जो है वो ज़्यादा होती जा रही है, बल्कि ज़्यादा हैं कोरिया में। फीमेल जॉब के लिए जो है उनके लिए मौके जो हैं इल्चारी कहते हैं इसको, उनकी जॉब अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा दी जाती हैं, मर्दों की इक्वल दी जाती है, लेकिन इशू ये होता है जब 30+ हो जाती है शादियाँ कर लेती हैं तो इनको प्रेगनेंसी की वजह से, बेबी की परवरिश की वजह से इनको लॉन्ग टर्म जो है वो वेकेशन लेनी पड़ती है कंपनी से, तो जब वो ले लेती हैं तो इनकी जो शरह है वो जॉब छोड़ने की वो ज़्यादा हो जाती है, और जब ये
एक बार अपने बच्चों की प्रवेश करती हैं, उनको एक स्टेज तक पहुंचा देती हैं, 5-6 साल तक जब स्कूल गोइंग हो जाते हैं, दोबारा जब ये कंपनीज में आने की कोशिश करते हैं तो उनको जॉब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा नहीं मिलती। ये थोड़ा सा इनका कल्चर है, थोड़ा सा ड्रॉबैक है इनके कल्चर का। दूसरा, यहाँ पर एक टर्मिनोलॉजी यूज हुई है, की हॉन योसोंग। योसोंग कहते हैं औरत को, की हॉन कहते हैं जिसकी शादी हो चुकी होती है, मी हॉन कहते हैं जिसकी शादी नहीं होती। हॉन शादी के लिए यूज होता है, की हॉन शादीशुदा, मी हॉन अनमैरिड जिसकी शादी नहीं होती। उसके बाद जो है इनका इनगान ख्वानगे के नाम से एक वर्ड है, जो पर्सनल रिलेशन कह सकते हैं आप, ह्यूमन रिलेशन कह सकते हैं इसको आप। कंपनीज में जो होता है, कंपनीज में ह्यूमन जो इनका रिलेशन है, ह्यूमन रिलेशन है, वो ये है कि कंपनी में जो है एक दूसरे को रैंक ले के नाम से लेके टाइटल के नाम से लेकर पुकारते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं जिस कंपनी में हूँ, मेरा उसमें जो थेरी का रैंक है, थेरी एक रैंक है कोरियन में, तो मुझे वो अमान थेरी कहते हैं। तो इस तरह अगर कोई है फूजांग है तो मैं उसको फूजांग नेम बोलूंगा, अगर कोई ख्वाजांग नेम है मैं उसको ख्वाजांग नेम बोलूंगा, कोई सेंथोजांग नेम है मैं उसको सेंथोजांग नेम बोलूंगा। टाइटल लेके पुकारते हैं। अगर कोई बहुत ज़्यादा क्लोज है आपके, बहुत अच्छा फ्रेंड है आपका, तो वो आपको मोहयोंग भी बोल सकता है, धोंगसांग भी बोल सकता है। इस तरह आप अगर किसी को बुलाते हैं, अगर वो लेडी है तो आप उसको नूना भी बोल सकते हैं, वो इस तरह जो है आप उसका नाम भी लेके पुकार सकते हैं। वो आपका जितना आप क्लोज होते हैं उतना जो है आप उसको नाम लेके पुकार सकते हैं, लेकिन नॉर्मली जो है ये टाइटल यूज़ करते हैं कंपनीज में, तो ये भी जो है आपके इल्म में होना चाहिए। उसके बाद जो इसका नेक्स्ट पेज है उस पर मेजर तीन चीज़ें हैं। इनके हर चैप्टर में जो मैंने देखे तो तीन पैराग्राफ होते हैं, तीन चीज़ों के बारे में बताया गया होता है। सेकेंड पेज जो है उसमें भी तीन चीज़ों के बारे में बताया गया है। उसका जो टाइटल है वो है हनगुक सारंधरे चिकचांग सेंगवारन ओतोन मोसेबिल कायो, जो इनका कंपनीज का जो कंपनी कल्चर है वो कैसा है। नॉर्मली ये कि जो हम ये खान खोंगसा कहते हैं इनके जो इनके बिल्डिंग्स होती हैं, जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, उसको खान खोंगसा कहते हैं। उसके बाद जो कंपनीज है नॉर्मली इनकी गवर्नमेंट बिल्डिंग में, गवर्नमेंट ऑफिस में या नॉर्मली कंपनीज में जो है सुबह 9 से लेकर शाम 6 बजे तक ही जॉब करते हैं, और 12 से 1 बजे तक जो है इनका ब्रेक होता है। हमारे भी इसी तरह ही है, 9 to 6 जो है हमारी वर्किंग आवर्स है, और उसके बाद जो है जो 12 to 1 जो है हमारा ब्रेक है। नॉर्मली कोरियन जो है ये छुट्टी के बाद भी जो काम करते हैं, जो काम ज़्यादा होता है उसको इन्हें वाइंड अप करना होता है, तो नॉर्मली जो है रुकते हैं 6 बजे के बाद भी रुकते हैं, डिनर करके उसके बाद जो है दोबारा ये काम शुरू कर देते हैं। तो उसको ये कहते हैं यागन। कुछ कंपनीज में जो है, बहुत कंपनीज में यागन के पैसे अलग मिलते हैं, वो जो है आपको सैलरी की, जो सैलरी का जो है आपका पर आवर जो आपकी सैलरी है उसका 1.5% आपको मिलता है। तो कुछ कंपनीज में है, कुछ कंपनीज में नहीं है, कुछ जो है वो उसको कवर अप करती है, कुछ कंपनीज नहीं करती वो, क्योंकि वो आपको फोर्स नहीं करती कि आप यागन करें, मतलब ओवर टाइम जॉब करें, जो रात का होता है यागन कहते हैं इसको। लेकिन अगर आपका काम ज़्यादा है, आपने उसको वाइंड अप करना है, तो वो आपकी जिम्मेदारी है, तो आज तक हम कल पे नहीं छोड़ते। कुछ काम है अगर मैं कल पे कर सकती हूँ तो मैं उसको कल पे शिफ्ट करूंगा, लेकिन अक्सर अवकात मुझे भी हो जाता है, 6 बजे मेरी छुट्टी का टाइम है, मुझे कोई फोर्स नहीं करता, लेकिन मेरा काम इतना होता है कि मुझे रात 8-9 बजे तक भी रोकना पड़ जाता है कभी कभार, तो वो जो है काम वाइंड अप करके जो है मैं छुट्टी करता हूँ, तो वो जो है वो कवर अप नहीं होता। अगर मुझे कंपनी ने बोला कि आप रुकें, आप जॉब करें, आप ये काम करें, तो वो जो है वो कवर अप हो सकते हैं, डिपेंड्स ऑन योर कॉन्ट्रैक्ट। अगर आप लेबर हैं फॉर एग्जाम्पल E9 वीज़े पे, E7 वीज़े पे, और किसी फैक्ट्री में जॉब करें, तो फिर वो कवर अप होता है। लेकिन जो हमारी तरह कंपनीज में जॉब करते हैं तो उनका जो है ये चीज़ असल में कवर अप इसलिए नहीं होती कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट में ये नहीं होता ओवर टाइम जॉब, हमारा पर्सनल जो है ये आइडिया होता है, पर्सनल हमारी इश्यूज होते हैं, हमारा काम इतना होता है कि उसको हमने वाइंड अप करना होता है। तो वो जो है मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। उसके बाद जो इनका वर्किंग डेज होते हैं वो है मंडे टू फ्राइडे, चू ओ एल जे कहते हैं इसको, मतलब 1 week में 5 days, चू जो कहते हैं वीक को, ओ 5 कहते हैं जे जो है इसको, चू ओ एल जे जे कहते हैं उसको, कल्चर कह सकते हैं आप ये चू एल जे, या क्या कह सकते हैं, मतलब एक टर्मिनोलॉजी यूज होती है, चू ओ एल जे, समिल चे, साइल चे, तो ये होता है चू ओ एल चे, मतलब 5 दिन, हफ्ते में 5 दिन जो कल्चर है इनका, उसके बारे में बताया गया। नॉर्मली मंडे टू फ्राइडे होता है, तो इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। उसके बाद कुछ ऐसी
कंपनीज हैं या कुछ ऐसी होटल रेस्टोरेंट्स हैं, कुछ ऐसे चिमचिल पांग कहते हैं जहाँ पर ये सौना वगैरह होते हैं, जहाँ पर ये बात वगैरह लेते हैं, वो जगह जो होती है वो 24 घंटे वर्किंग करती हैं। मतलब उनके अगर आप रात को भी जाएं तो वो काम करेंगे। इस तरह फैनिचो में डिपार्टमेंट स्टोर होते हैं, आप वहाँ रात को भी चले जाएं आपको जो है वो ओपन मिलेंगे। तो जो 7-Eleven शॉप्स होंगे वो आपको ओपन मिलेंगी। अक्सर जो है ऐसी बड़ी ऐसी जो शॉप्स होती हैं वो आपको 24 घंटे वाली भी होती है, 12 घंटे वाली भी होती हैं, लेकिन नॉर्मली जो है ये मंडे टू फ्राइडे जॉब करती हैं। लेकिन जो इस तरह होती है रेस्टोरेंट्स हो गए तो जो है 7 दिन, हफ्ते में 7 दिन जो है पूरे महीने जो है जॉब करते हैं, पूरे महीने जो है ये रनिंग में होती है, क्योंकि लोग आते हैं खाना वगैरह खाते। कोरियन लोग जो है 90% लोग जो है ये बाहर से खाना खाते हैं, बहुत कम ऐसे लोग हैं जो घर में खाना खाते हैं, बहुत कम ये जब घर पे रहते हैं तो घर में खाना बनाते हैं। यंग जनरेशन, स्पेशली यंग जनरेशन, ये बाहर खाने को प्रेफरेंस देती है। उसके बाद जो है इनका बेसिक है जो बाहर खाने का कल्चर है। नॉर्मली कंपनीज में ये होता है कि जब इनका जो ऑनर होता है, टीम मैनेजर होता है, वो अपने वर्कर्स को लेके बाहर जाके खाना खाते इकट्ठे, वो जो है कंपनी की तरफ से पेड होता है। लेकिन वो जो है ये इनका थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट टाइम होता है कि ये थोड़ा सा उससे दूर होके, अपने टेंशन से दूर होके एक दूसरे के साथ शेयर करें। हमारे पाकिस्तान के लिए ये कल्चर इसलिए ठीक नहीं है कि ये उस टाइम जाके जो है वो ड्रिंकिंग करते हैं। अगर वो आपके कल्चर को समझते तो आपको फोर्स नहीं करेंगे। हमारा भी जो है हिशक होता है महीने में एक बार या 2-3 महीने में एक बार होता है। हमारा जो है हमारे कल्चर को वो वैल्यू देता है, और हम जो है शराब नहीं पीते, हम जो है वो दूसरा गोश्त वगैरह नहीं खाते, तो वो हमें फोर्स नहीं करता। हम जब भी जाते हैं तो हम अपने लिए जो है अलग से ऑर्डर करते हैं, तो ही मतलब इट डज नॉट इंटरफियर। कुछ कंपनीज वाले होते हैं वो जो है वो इसको डिसलाइक करते हैं, बट अवर कंपनीज ऑनर ही रियली लाइक्स इट। तो वो जो हम करते हैं इसको हेशिक कहते हैं। हेशिक आपको ये याद नाम रखना या ये नाम याद रखना चाहिए, हेशिक। हेशिक कहते हैं बाहर खाने को, मतलब नॉर्मली जो है ये डिनर के बाद करते हैं। तो ये भी जो है कभी कभी इनका होता है, तो इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। और इस चैप्टर में और इतना कुछ नहीं है, बस ये नॉर्मली 4-5 चीज़ें थी, मैं आपको दोबारा दोहरा लूँ। एक इनकी एज के बारे में, जो इनकी एज है वो 15 साल से जॉब कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली 20 साल के बाद जॉब करते हैं, और 55 से 60 के बाद ये रिटायर होते हैं। रिटायर होने के बाद जो है अपनी कोई दुकान जो बना लेते हैं, या कोई अपनी फैक्ट्री बना लेते हैं, या टैक्सी खरीद के चलाते हैं। दूसरा इनके जॉब के बारे में, एक हमूमन जो होता है ये सरकारी जॉब, जो सरकारी मुलाजिम होती है, ये जॉब बड़ा पसंद करते हैं। उसके बाद थेकियोब है, पिक इंडस्ट्रीज, उसके बाद सिम इंडस्ट्रीज हैं जो जिसको ये झुमसो की अब कहते हैं, उसमें जॉब करना पसंद करते हैं। सबके अपनी जो है उसके फ़ायदे नुकसान हैं इसको। और उसके बाद जो मापुरी फूफू में मेरे को बताया है, जो है कपल जो है इनकी जॉब करते हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन थी। और नॉर्मल जब ये प्रेगनेंट होती हैं या बच्चे की परवरिश के लिए जॉब छोड़ देती हैं, इसकी वजह से औरत का जो वर्किंग जो है रेट है वो मेल के मुताबिक थोड़ा सा कम है। उसके बाद जो नॉर्मली इनके वर्किंग आवर्स होते हैं, उसके बारे में आपको बताया कि नॉर्मली ये 9 to 6 जॉब करते हैं, 12 से 1 बजे इनकी ब्रेक होती है, और जो है रात तक जब काम करते हैं उसको यागन बोलते हैं। कुछ पेड होते हैं, कुछ अनपेड होते हैं। वी आर अनलकी, वी आर अनपेड फॉर द यागन। खैर हर कंपनी का अपना एक कल्चर होता है। उसके बाद ये मंडे टू फ्राइडे जॉब करते हैं, चुओलचे कहते हैं इसको, मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, यहाँ तक सैटरडे संडे की नॉर्मल छुट्टी होती है। उसके बाद कुछ ऐसी शॉप्स होती हैं, या रेस्टोरेंट्स हो गए या कॉफ़ी शॉप्स हो गए, वो सारा साल रनिंग में होते हैं, 24 घंटे जॉब वो रनिंग में होते हैं, क्योंकि कस्टमर्स आते हैं। नॉर्मली ये लोग जो है बाहर जाके खाना खाते हैं, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। उसके बाद जो हेशिक मैंने आपको बताया कि इनका जो कल्चर है वो महीने में एक बार या हफ्ते में एक बार, हर कंपनी का अपना कल्चर है, ये बाहर जाके अपने टीम मैनेजर के साथ या कंपनी ऑनर के साथ इकट्ठे जाके खाना खाते हैं, उसको हेशिक बोलते हैं। तो वो आपको मैंने उसके बारे में बताया। आपसे नॉर्मली ये पूछ जा सकते हैं कि मियाँ बीवी जब आपस मतलब इकट्ठे जब जॉब करते हैं उसको क्या कहा जा सकता है, तो आप बोल सकते हैं मापोरी, इसको मापोरी बोलते हैं। कोरियन लोग जो है वो कौन सी जॉब ज़्यादा पसंद करते हैं, तो आप कह सकते हैं खोमुवन। खोमुवन कहते हैं सरकारी जॉब को, गवर्नमेंट जॉब। उसके बाद जो रात को खाना खाते हैं जो कंपनी में मिल के आपस में, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हेशिक, हेशिक बोलते हैं। उसके अलावा नॉर्मली जो कोरियन लोग हैं वो कितने दिन काम करते हैं, आप बोल सकते हैं चुओलचे, मतलब 5 दिन काम करते हैं मंडे टू फ्राइडे। उसके बाद किस टाइम से किस टाइम तक, आपको मैंने बताया कि 9 to 6 और 12 to 1 जो है इनका
लंच ब्रेक होते हैं। इतने जो है इन्फॉर्मेशन मेरे ख्याल आपके लिए काफ़ी है। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर जो है वो मैं इनके ट्रांसपोर्टेशन और जो इनका फंक्शन है, मतलब जो इनकी कॉल्स वगैरह जो इनकी सर्विसेज वगैरह उसके बारे में जो मैं इन्फॉर्मेशन दूंगा। और इंशाल्लाह जो मैं कोशिश करूंगा मैं जितनी जल्दी हो सके मैं जल्द से जल्द वीडियो बना के अपलोड करूंगा ताकि मैं जल्द से जल्द जो है लेवल 5 को कवर करके मैं EBS कोर्स पे आऊं। तो होप जो है यू होप यू लाइक दिस वीडियोस एंड दिस वीडियोस हेल्प यू अलॉट। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। होप जो है ये वीडियो जो है आपके काम आई हो। मैं जो है इंशाल्लाह जल्द ही मैं नेक्स्ट वीडियो बनाकर अपने पेज पे अपलोड करूंगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।